चर्चित निखिल मेश्राम हत्या के केस में 12 आरोपियों में से 7 आरोपियों को दोषी पाया गया। वहीं मंगलवार 7 फरवरी को इन 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाकी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। सेशन कोर्ट के न्यायाधीश SB गावंडे का ये फैसला हाल के वक्त में सबसे बड़ी सजा के तौर पर माना जा रहा है, जिसमें एक साथ 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार निखिल मेश्राम की हत्या के मामले में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में 24 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने इस मामले में 17 गवाहों के दर्ज हुए बयानों पर गौर किया। इसके बाद 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिन 7 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई उनमें शंकर नाथू सोलंकी, देवीलाल उर्फ देवनाथ सोलंकी, सूरज चेतन राठौड़, रमेश नाथूलाल सोलंकी, यश उर्फ गुड्डू हरीश लखानी, मिखान नाथूलाल सालाड़ और मीना नाथूलाल साड़ाल शामिल है, जबकि विजय हरिश्चंद चौहान, गुड्डी लक्ष्मण राठौड़, किरण उर्फ सुगना देवीलाल सोलंकी, पिंकी नाथूलाल सोलंकी और रत्ना नाथूलाल सोलंकी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इनके अलावा इस हत्याकांड में चेतन राठौड़, माया शंकर सोलंकी, राजूरी हरिलाल परमार और धनश्री रमेश सोलंकी, जो कि इस आरोप में लिप्त है, वो अब तक फरार है। इन फरार आरोपियों के खिलाफ केस की सुनवाई ही नहीं हो सकी, जबकि बाकी आरोपियों में से 8 नाबालिगों के भी नाम शामिल थे। सभी आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार है। कोर्ट के इस फैसले पर अधिक जानकारी दी है सरकारी वकील प्रशांत साखरे ने। ये घटना 20/5/2018 की है, जिसमें आरोपी ने निखिल मेश्राम और विक्की मेश्राम इनके घर पर हमला करके उसमें से निखिल मेश्राम को जान से मार डाला और विक्की मेश्राम जो था वो इंजर्ड हुआ था। इस घटना का कारण ऐसा है कि उसके पहले दिन यानी 19/5/2018 को आरोपियों ने विक्की मेश्राम को मारपीट किया था, जिसमें उसकी मम्मी जब बचाने गई ललिता मेश्राम उसको भी मार लगा था। अब उसके बाद में निखिल विक्की मेश्राम ने वो उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन शांतिनगर में किया था, जिसको आरोपी को पता लगा कि हमारे खिलाफ में रिपोर्ट हुई, तो सारे आरोपी लोग जो काफ़ी तादाद में थे वो उनके घर पे आए। उन्होंने उनको बोला कि हम समझौता कर लो, केस वापस लो, तो निखिल मेश्राम ने मना कर दिया केस वापस लेने से। तो चिढ़ के उन्होंने जो साथ में लाए थे कुराड लाए थे, एक्स बोलते उसको, दंडे लाए थे, पत्थर लाए थे, ईंटे लाए थे, मिर्ची पाउडर लाए थे, ये उनके आंखों में झोंक के उनको मारपीट किया, जिसमें निखिल मेश्राम जगह पर ही एक्सपायर्ड हुआ था और विक्की मेश्राम ये इंजर्ड हुआ था। उसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में 16 लोगों के ऊपर चार्जशीट हुआ, जिसमें 4 अभी भी फरार है, 12 लोगों के ऊपर खटला चला, केस चला। उस केस में माननीय कोर्ट ने 7 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजन्म कारावास का सजा सुनाया है। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट। आपको याद दिला दें कि साल 2018 में क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। ये हत्या क्यों और कैसे की गई थी, आइए आपको इससे एक बार फिर रूबरू करवाते हैं, जिसे सुनकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल मृतक निखिल के भाई किरण उर्फ विक्की का आरोपियों के परिवार की एक लड़की से प्रेम संबंध था। इस बात को लेकर आरोपियों के मन में विक्की को लेकर नाराजगी थी। हत्या के एक दिन पहले उन्होंने विक्की और उसके माता पिता के साथ मारपीट की। विक्की ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। इससे आरोपियों में नाराजगी और भी बढ़ गई, जिसके बाद आरोपियों ने निखिल को केस वापस लेने को भी कहा, पर विक्की और निखिल नहीं माने, जिसके बाद बदला लेने के लिए आरोपियों ने 20 मई 2018 की रात करीब 9:30 बजे के करीब निखिल और विक्की पर लाठियां, ईंट, पत्थरों, लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। निखिल की आंखों में मिर्ची पाउडर भी फेंका गया। इससे हमले में निखिल के सिर पर गहरी चोटें आई, उन्हें मेयो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने निखिल को मृत घोषित कर दिया और विक्की को भी गंभीर चोटें आई थी। तो ये था ये पूरा मामला।